जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत कैरेज कॉलोनी में शुक्रवार की रात बेखौफ अपराधियों ने एफसीआई गोदाम के ठेकेदार भोला पांडे उर्फ अजय पांडे पर जानलेवा हमला कर दिया है। गंभीर रूप से घायल अजय को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि अजय को गोली मारी गई है, हालांकि गोली अजय के दाहिने जांग में लगी है। उधर घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही सिटी एसपी टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे और घायल का हाल जाना। उन्होंने बताया कि आपसी रंजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 की संख्या में अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की है। घटना स्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसकी जांच चल रही है। सिटी एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है, उसके अनुसार रेलवे साइडिंग में ठेका को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल घायल के सामान्य होने का इंतजार किया जा रहा है, जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। बर्मा माइंस में एक भोला पांडे करके नामक एक व्यक्ति है, उसको जांग में गोली लगा है। बाकी सब ने बताया है कि जैसे कि एक बाइक पे 3 लोग आए थे, जिन्होंने 2 गोली फायर करा, एक उनका जांग में लगा है, अभी उसका इलाज चल रहा है। जब वो बयान देने की स्थिति में होगा तब उनसे बयान लिया जाएगा। बाकी और मौके से एक खोखा वगैरह मिला है, बाकी की जाँच जारी है। कोई पकड़ा है उसमें? नहीं, अभी कोई नहीं पकड़ा है। पहचान हो गई है क्या? अपराधी की पहचान कुछ लोग नाम दे रहे हैं, बट एक बार जब तक सत्यापन नहीं हो जाएगा तब तक हम नाम नहीं बता पाएंगे। घटना को लेकर क्या बात सामने आई? घटना को लेकर जैसा कि इनके परिवार वाले बता रहे हैं कि कुछ रेलवे साइडिंग में कोई ठेके का काम करते हैं, और उसी में ही कोई आपसी वर्चस्व और रंजिश के कारण इनके ऊपर गोली चलाई। जमशेदपुर से न्यूज विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।